Welcome back, students. This is the second lecture of Parliament of India. First lecture में हम लोगों ने discuss किया था Parliament के बारे में कि Parliament की function क्या होती है और हमें Parliament की ज़रूरत क्यों होती है. इस lecture में हम लोग discuss करेंगे लोकसभा के बारे में जो कि Parliament की first house या first chamber भी बोली जाती है. So let's discuss about लोकसभा. Okay students. So, Lok Sabha के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Lok Sabha को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 में रखा गया है, यानी आर्टिकल 81 में Lok Sabha के बारे में डिस्कशन है. ओके, अब हम बात करते हैं कि Lok Sabha को की गठन कब हुई थी या when was Lok Sabha built. So, it was built on 17th of April 1952. ये बिल्ड हुई थी और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी तो इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 13th मई 1952 को हुई थी. ओके, अगर हम बात करें कि ये 2019 की जो लोकसभा है ये कौन सी है, तो ये 2019 में जो लोकसभा हुई ये 17th लोकसभा है. ओके, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीकर इस समय है लोकसभा के वो हैं ओम बिरला, और फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के वो थे जीबी मावलंकर, जिसका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि लोकसभा का गठन कब हुआ था. तो मैंने आप लोगों को बताया कि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ये 13 मई 1952 में हुई थी, और जो फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे वो जीबी मावलंकर, और इस बार के जो लोकसभा करेंट लोकसभा स्पीकर जो है 17th लोकसभा स्पीकर हम कह सकते हैं उन्हें, उनका नाम है ओम बिरला. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा के कौन कौन से नाम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लोकसभा के नाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि लोकसभा के कौन कौन से नाम होते हैं, वो दूसरे नामों से वाकिफ नहीं होते हैं या उनको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है. तो सबसे पहले मैं इसमें लोकसभा के कुछ नामों के बारे में बताऊँगा और उनकी मीनिंग्स बताऊँगा ताकि आप उसको अच्छी तरीके से याद कर सकें और उनकी मीनिंग को ढंग से समझ सकें. ओके, सो नेम्स देखते हैं कि लोकसभा के कौन कौन से नाम होते हैं. House of the People, Second, First Chamber, या इसको Popular House भी बोलते हैं. Third, लोअर हाउस. और फोर्थ टेम्परेरी हाउस के नाम से जानी जाती है. ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि हाउस ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है.
तो हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है कि यहाँ पर इनके जो मेंबर्स होते हैं, एमपी होते हैं, उनकी इलेक्शन डायरेक्ट होती है और ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। यानी कि इनके चुनाव के समय इनके मेंबर्स की जो इलेक्शन होती है, उस इलेक्शन में लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। ओके, इसे फर्स्ट चैम्बर क्यों बोलते हैं? फर्स्ट चैम्बर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी बिल जब सबसे पहले आती है तो सबसे पहले वो बिल इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में, इसलिए इसे हम लोग पार्लियामेंट का फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। ओके, और पॉपुलर हाउस क्यों बोलते हैं इसे? पॉपुलर हाउस बोलने का मतलब है कि ये लोगों के द्वारा इलेक्ट करके ये मेंबर्स जाते हैं मेजोरिटी के द्वारा, इसलिए इसे हम लोग पॉपुलर हाउस बोलते हैं। ओके, और लोअर हाउस, लोअर हाउस हमें देखने में लग रहा है कि लोअर हाउस मीन्स ये निम्न सदन है। निम्न सदन का मतलब ये इसका काम जो होगा ये निम्न होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लोअर हाउस मीन्स इसे काम जो है वो लोअर टाइप के हैं, इसलिए इसे लोअर हाउस कहा जाता है, बट ये गलत है। लोअर हाउस का मतलब होता है कि इसमें जो कैंडिडेट्स, जो लोकसभा के लिए कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 25 इयर्स होती है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एज मिनिमम 30 इयर्स होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 इयर्स और यहाँ पर 25 इयर्स। तो इसलिए इसे हम लोग यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनकी वो एज में सीनियर है और यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो एज में जूनियर है, इसलिए इसे हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं यानी निम्न सदन बोलते हैं, एज कम होने की वजह से। लेकिन इसका काम छोटा या बड़ा ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका काम छोटा नहीं होता। और टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउस इसे क्यों बोलते हैं हम लोग? टेम्परेरी हाउस बोलने का मतलब है कि ये जो लोकसभा होती है ये कभी भी डिजॉल्व की जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा, या जैसे ही यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं इनके जो टेन्योर होती है वो 5 इयर्स होती है, और 5 इयर्स बाद जब नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होती है तो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में के बाद ये जो लोकसभा पहले की होती है वो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। जो मेंबर्स की टेन्योर होती है, कार्यकाल होता है 5 इयर्स, वो ख़त्म हो जाती है नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होने के बाद। ओके, सो इसलिए टेम्परेरी हाउस बोला जाता है, यानी हर 5 इयर्स के बाद ये डिजॉल्व हो जाती है और फिर नेक्स्ट दूसरे जो चुनकर मेंबर्स आते हैं अलग अलग एरिया से वो फिर एमपी बनते हैं, और जो पहले के एमपीज होते हैं वो उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। ओके, अब आइए डिस्कस करते हैं हम इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इनकी एज मिनिमम 25 इयर्स होनी चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति अगर 25 इयर्स का है या 25 इयर्स से ऊपर का है तो वो लोकसभा कैंडिडेट, लोकसभा मेंबर के कैंडिडेट के लिए वो एलिजिबल है। ओके, और टेन्योर की बात करते हैं हम, इनकी टेन्योर कितनी होती है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स, यानी 5 इयर्स बाद इनकी जो मेंबरशिप होती है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है जब नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होती है। तो यानी नेक्स्ट लोकसभा के जब अलग मेंबर्स होते हैं तो इनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, यानी इनकी जो टेन्योर होगी वो 5 इयर्स होगी, एज 25 इयर्स होगी। ओके, अब देखते हैं कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। मेंबर्स, सो टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ जो है वो है 552, और एट प्रेजेंट इनकी संख्या है 545,
अब देखते हैं 545 किस प्रकार से इनकी है, ओके संख्या। तो 545 मेंबर्स में से 530 मेंबर्स ये स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उन सारे डिफरेंट स्टेट्स से ये इलेक्ट किए जाते हैं, और 13 मेंबर्स यूटीज से होते हैं, यूटीज से, और 2 मेंबर्स ये एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन, ओके, या मैं इसे नीचे लिख दूं, एंग्लो इंडियन, ओके। सो इस प्रकार से ये मेंबर्स होते हैं, 530 मेंबर्स स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं, और 13 मेंबर्स अलग अलग यूटीज से, और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, और क्या एंग्लो इंडियन की भी इलेक्शन होती है, क्या इनका भी चुनाव होता है, क्या ये भी इलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो दो ये एंग्लो इंडियन है इनकी इलेक्शन नहीं होती है, यानी ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है या नॉमिनेट करता है, ओके। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है। तो एंग्लो इंडियन का मतलब मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो, अगर सपोज कोई एक आदमी है, उस आदमी के पेरेंट्स में से अगर कोई उसका फादर या मदर यूरोपियन कंट्री का है, और सपोज कि फादर यूरोपियन कंट्री का है और मदर इंडिया की है, तो उनके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो एंग्लो इंडियन होगा, या मदर यूरोपियन कंट्री के यूरोपियन कंट्री की है और फादर इंडिया का है, तो उनके द्वारा जो संतान पैदा होगा वो क्या होगा, एंग्लो इंडियन, यानी उसमें से पेरेंट्स में से कोई एक यूरोपियन कंट्री का हो और एक इंडिया का हो, तो उसके द्वारा जो चाइल्ड पैदा होगा वो क्या होगा, एंग्लो इंडियन। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है, और एंग्लो इंडियन के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती है, बल्कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, या उस हम कह सकते हैं कि अपॉइंट किए जाते हैं, ओके। सो ये रही मेंबर्स की टोटल स्ट्रेंथ, ओके। अगर हम देखें इलेक्शन की बात करें, तो जो इलेक्शन होती है इनकी, इलेक्शन जो होती है वो इलेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। दो टाइप्स के इलेक्शन हमारे कंट्री में हेल्ड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता, ओके। अभी इनडायरेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पर होती है, कौन सी हाउस में, ओके। यानी कि लोकसभा फर्स्ट हाउस के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, तो इसका मतलब श्योर ये सेकेंड हाउस में इनडायरेक्ट इलेक्शन होती होगी, ओके। सो ये रही बात इलेक्शन की, और अब इसकी कुछ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इनकी योग्यताएं कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा मेंबर के लिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि वो इंडिया का सिटीजन हो, यानी उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, और दूसरा उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी 25 वर्ष का हो कम से कम। अगर 25 वर्ष से कम उम्र का है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ओके। और तीसरा है कि वो बैंकरप्ट ना हो, यानी दिवालिया ना हो, उसके बहुत सारे बैंकों के कर्ज वगैरह ना हो, जो कि कर्ज ले करके उसने दिया ही ना हो, तो दिवालिया ना हो, और एज 25 ईयर्स से कम ना हो,
और वो भारत के बाहर का नागरिक ना हो, वो भारत का हो. ओके, सो वो पर्सन लोकसभा मेंबर के लिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है. ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर स्पीकर के बारे में कि स्पीकर कौन होता है. तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि स्पीकर जो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल जो यहाँ पर 530 और ये 13 है, ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 543. अब 543 मेंबर्स की डायरेक्ट इलेक्शन होती है, यानी कि ये अलग अलग फील्ड से इलेक्शन जीत करके आते हैं जो कि उसके लिए लोकसभा के लिए, लोकसभा मेंबर्स के लिए एलिजिबल होते हैं. अब इसमें से जो एक मेंबर होता है, ओके, माइनस वन, जो यहाँ पर फर्स्ट 543 में से वन मेंबर जो होगा, ये इसे हम लोग बोलते हैं प्रो टर्म स्पीकर. प्रो टर्म स्पीकर, ये प्रो टर्म स्पीकर कौन होता है या इसका सिलेक्शन कैसे होता है, ये भी लोकसभा मेंबर था लेकिन प्रो टर्म स्पीकर कैसे बना. तो प्रो टर्म स्पीकर वही व्यक्ति बन सकता है या वही मेंबर बन सकता है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लोकसभा में इलेक्शन जीता हो या लोकसभा के इलेक्शन जीता हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सो उसे प्रो टर्म स्पीकर घोषित किया जाता है. अब प्रो टर्म स्पीकर हो गया, अब प्रो टर्म स्पीकर क्या करेगा, प्रो टर्म स्पीकर उसके बाद कितने बचे, 542 बचे, 542 में से भी वन, उसके बाद जो 542 बचे उसके बाद जो इसमें से वन मेंबर जो होगा वो क्या होगा, स्पीकर होगा. ओके, सो ये क्या करेगा, ये स्पीकर के लिए यहाँ पर स्पीकर को शपथ दिलाएगा जो स्पीकर होगा, यानी कि स्पीकर की जो इलेक्शन होगी वो लोकसभा मेंबर्स के द्वारा होगी. लोकसभा के मेंबर्स जो होंगे वो स्पीकर की इलेक्शन करेंगे, वो वोटिंग करेंगे कि किस प्रकार से हमारे कौन स्पीकर होगा कौन नहीं होगा. ओके, सो स्पीकर को ये शपथ दिलाएगा और स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर सभी मेंबर्स को शपथ दिलाएगा. सो ये रहा हमारा मेंबर्स की संख्या और प्रो टर्म स्पीकर, स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर भी होते हैं इसके बाद, जैसे कि यहाँ पर बचे हैं 541, तो इसमें से भी वन माइनस हो गया, तो ये क्या बचा, डिप्टी स्पीकर. ओके, यानी कि यहाँ पर स्पीकर जो हाउस होती है, हाउस की मीटिंग जो होता है वो स्पीकर के द्वारा लिया जाता है. अगर स्पीकर अब्सेंट होता है तो वहाँ पर डिप्टी स्पीकर मीटिंग लेता है. अगर डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट होता है, मान लो रेयर केसेस में, तो इस केस में यहाँ पर कुछ लोगों की सूची बनी होती है, इस प्रकार से कुछ वरिष्ठ लोगों की सूची बनी होती है जिसमें से कि उसके बाद डिप्टी स्पीकर के बाद इस ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा वहाँ मीटिंग लेने के लिए, या उसके बाद ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा. इस प्रकार से एक सिस्टमेटिकली एक सीरीज बनी होती है जिस सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर काम किया जाता है. ओके, ओके फ्रेंड्स, सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया लोकसभा के बारे में, और लोकसभा के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई जिसमें कि लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, उनकी इलेक्शन कैसे होती है, और उनकी एज कैसे कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी होती है, और कितने मेंबर्स स्टेट से लिए जाते हैं, कितने मेंबर्स यूटी से लिए जाते हैं, और जो दो मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन उनका किस प्रकार से चुनाव होता है या उनको किस प्रकार से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन के डिफिनेशन के बारे में हम लोगों ने देखा. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू इन दिस लेक्चर. सो थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग टू मी.